तो जिस दिन के लिए काफी दिन से हम इंतजार में थे वो दिन आखिर आ ही गया। तो फाइनली हमें आज हनुमान का ट्रेलर देखने को मिला। ट्रेलर के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी हैं, जिसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बातों की सिलसिलाओं को आगे बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं। ट्रेलर देखने के बाद मुझे जितना पता चला, हनुमंतों को जो लॉकेट मिलता है वो हनुमान जी का ही एक अंश होगा। एक सीन में ऐसा दिखाया जाता है, हनुमंतों को मारकर समंदर में फेंक देता है, उसी समंदर के नीचे हनुमंतों को वो लॉकेट मिलता है और उसको पावर मिलता है। पावर मिलते ही हनुमंतो चीता के साथ रेस लगाता है। और अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो इस मूवी का जो विलन होगा वो भी एक बड़ा आदमी होगा, मतलब पैसे वाला। वैसे भी हर मूवी में विलन पैसे वाला ही होता है। मैं भी कैसे पागलों के जैसा बात कर रहा हूँ, मुद्दे से आखिर मैं भटक ही जा रहा हूँ। इस मूवी का विलन एक सूट बनाता है जो उसे बहुत ताकत देता है, लेकिन उसको चाहिए अपनी खुद की शक्ति जो अपनी बॉडी से निकले, ना कि सूट से निकलते हुए। तभी उसको पता चलेगा हनुमंतों के पास एक लॉकेट है हनुमान जी का, जो कि हनुमंतों को काफी शक्तियाँ देता है। उस लॉकेट को छीनने के लिए विलेन बहुत गलत काम करेगा। वैसे तो विलेन गलत काम करता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है हनुमंतों को बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी आएगा। ट्रेलर के लास्ट में तो हमें दिखाया ही है कैसे बर्फ टूटता है। और आगे VFX और CGI की बात करूँ तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन उतना भी खास नहीं था। जैसे कि बहुत सारे जेट्स दिखता है हनुमंतों की गाँव के ऊपर, क्या था वो, एकदम खिलौना लग रहा था। विलेन का जो सूट दिया गया है वो और तगड़ा होना चाहिए था। और अगर मैं अच्छाई की बात करूँ तो दो चार शॉट्स है जो अच्छा है, अंडर वाटर वाला शॉट और उसके बाद जो मास्टर कट है वो वाला। और एक कट तो ऐसा भी है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, क्या है भाई ये, जब हनुमंतु एक पेड़ों के जर से हेलीकॉप्टर को रोकता है। और भाई देखो, मूवी का बजट 50 से 60 करोड़ है, इसमें और क्या चाहिए तुमको। जैसे मैं इतने दिन ट्रेलर के लिए वेट कर रहा था, आगे मैं मूवी के लिए वेट करूंगा, पर देखने जरूर जाऊंगा। ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये लगता है कि मूवी काफी अच्छा जाएगा, 500-600 करोड़ तो कमा ही लेगा, या शायद उससे भी ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना, बुरा लगा तो कमेंट पर जरूर बताना। बाय बाय।